सो गाइस फाइनली फिर बस जा रही है वापस और आज हम लोग फिर से यूनिवर्सिटी दौड़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग का मतलब ब्लॉग का दूसरा दिन है, बाकी वैसे तो कई दिन हो गया और काफी लोग हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं हमारे ब्लॉग में, तो सपोर्ट करते रहे। और बाकी बात बताएं तो योगी जी आने वाले हैं हमारे गोरखपुर में, कुछ काम से आएंगे, तो काफ़ी ट्रैफिक लग रही है और ट्रैफिक जो रूल है ना उसको हमको लग रहा है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक में ट्रैफिक में रुक कर और वो दिखाएंगे कि मतलब मैं भी रुक सकता हूँ ट्रैफिक में। और यही एक्सप्रेस वे हमारे पीछे देख सकते हैं और आगे से कुछ ऐसा दिखता है इसी पे डेवलपमेंट। और इन भाई साहब से हम कुछ हो सकता है पूछ सकते हैं नहीं अच्छा ये भाई साहब सीरियस हो जाएंगे तो इनसे नहीं पूछना है। और चलते यूनिवर्सिटी में दौड़ते हैं और आज हमारे साथ नए बंदे जुड़ चुके हैं घूमने आए हैं मतलब बता रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये डॉक्टर साहब हैं, ये अपना सेहत का मतलब ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, मतलब 2-4 साल हो गया होगा इनको यूनिवर्सिटी आए हुए और एक बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी तो आता है, कहता है कि चलेंगे दौड़ेंगे और बहुत एक्सरसाइज है सब कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल दौड़ता उड़ता नहीं है, छोड़ी बांधता रहता है, पीछे है पीछे छोड़िया पटाता है, अभी फिलहाल छोड़िया पटाएगा। ठीक है गाइस तो आ चुका है अपना यूनिवर्सिटी गेट, अंदर चलते हैं। अब उन्होंने क्यों कहा एक बात आ जाइए ठीक बा, चलो चलो पहुँचो, गाड़ी चल रही है, कैमरा ऑन है ब्रो। तो कैमरा मैन एक भाई को बनाया हूँ जो डॉक्टर है, बता हाउ द जोश, डॉक्टर साहब से पूछते हैं गाइस हाउ द जोश, अब ना गाइस काफी लेट हो चुका और मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, मुझे सुसु लग गया था तो मैं करने चला गया था और भैया लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं और मैं दौड़ूंगा आर्ट साइंस का जो फैकल्टी है वहाँ से, और फिलहाल दौड़ने के लिए रेडी हैं। फिलहाल मेरे सामने ये रहा रसायन विज्ञान विभाग और यहाँ पर ना गाइस काफ़ी मस्त पार्क है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं मजेठिया भवन जो है ना, ये क्या क्या है इधर से, इसको मजेठिया भवन कहते हैं जो सामने से दिख रहा है। और यहाँ पर हाँ गाइज यहाँ पर एरो भी है, देख सकते हैं आप लोग मजेठिया, और ये मजेठिया भवन है जो सामने दिख रहा है, मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए मजेठिया भवन है। और यहाँ पर क्या क्या मतलब कौन से विभाग के क्लासेस चलती हैं, और यहाँ से देखिए भौतिक विभाग, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, कंप्यूटर केंद्र ये जस्ट सामने रहा, और कंप्यूटर साइंस विभाग प्रथम तल, मतलब यही रहा, यहाँ पर कंप्यूटर वाला दोनों है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और विश्वविद्यालय कैफेटेरिया है सामने ही है। और बाकी ये रहा कुछ नज़ारा, जस्ट वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद मजेठिया भवन के जस्ट वहाँ पर मजेठिया भवन है जाने का रास्ता, और यहाँ से जो नज़ारा ये फील्ड का डीडीयू कैंपस का दिखता है काफ़ी यूनिक लगता है यार, मतलब इतना बड़ा कैंपस मतलब गोरखपुर में डीडीयू कैंपस में है और काफ़ी बच्चे आते हैं, धावक आते हैं जो कि इस वक्त देख सकते हैं अपने नौकरी के मतलब चाहत में यहाँ पर ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में सुबह में 3 बजे से बच्चे आ जाते हैं, और फिलहाल इस वक्त 6 बज गया, मैं लेट आया हूँ, और जो बस थी वो 5 बजे जाती थी और उधर से वापस 6 बजे वापस आती थी, 5 बजे जाती थी मतलब छासन चौराहे से और 6 बजे छासन चौराहे तक आ जाती थी 1 घंटे के अंदर वापसी। तो बाकी ये रहा यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरीके से, जो कि मैं वैसे नहीं दिखा पाता हूँ, तो सोचा कि दौड़ने जब आऊँगा तभी ब्लॉग बनाते टाइम में ये सब दिखाते रहूँगा आप लोग को। और बाकी मैं बता देना चाहता हूँ कि काला संकाय भवन जो कि है, मतलब काला संकाय भवन के अंदर क्या क्या मतलब कौन सी फैकल्टीज़ हैं वो सब कुछ यहाँ पर है और मैं दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज ये रहा काला संकाय भवन, और काला संकाय भवन के अंदर कौन कौन से मतलब विभाग हैं वो मैं बता रहा हूँ, इतिहास विभाग, भूतल, अर्थशास्त्र विभाग, मतलब भूतल का मतलब नहीं समझ रहे मैं नहीं समझ रहा हूँ मतलब क्या मीनिंग होता है भूतल का,
हो सकता है तल होता हो या बीच वाला होता हो, और अंग्रेजी विभाग है प्रथम तल, हमको लगता है वही है, भूतल मतलब बीच या ऊपर का, और उर्दू विभाग फिर दसवीं शास्त्र और संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा द्वितीय तल। हाँ यार वही होता है, मुझे लगता है भूतल का ऊपर सबसे थर्ड फ्लोर, और बाकी ठीक है यही रहा। और यहाँ सब लोग चलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं रनिंग, और रनिंग तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, किसी दिन किसी को कैमरा पकड़ाऊँगा और फील्ड में जब रनिंग करूँगा तो आप लोग को दिखाएंगे। वैसे मैं फील्ड का जब मैं कंटिन्यू दौड़ता था तो अप्रोक्स 14 से 15 राउंड मार देता था इसका, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक डेढ़ महीने के बाद मैं 15 से 14 राउंड मार कर दिखाऊँगा, ठीक है। और इस वक्त नहीं मार पा रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से रेगुलर हूँ, लेकिन 4 से 5 राउंड केवल मार पा रहा हूँ, आज देखता हूँ कितने राउंड मारता हूँ। फिलहाल आज तो मतलब मैं पढ़ लिया था कि यार बड़ा वाला राउंड मारूंगा जो 1560 मीटर का है। गाइस जाते जाते मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मतलब यूनिवर्सिटी में अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट ईयर के CBCS वाले थे उन लोगों का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अप्रोक्स आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो आप लोग मतलब पता कर लीजिए, और LLB का फॉर्म एग्ज़ाम फॉर्म आज शायद LLB का लास्ट डेट था 6 तारीख को, और बाकी गाइज आप लोग देखते रहिए, एग्ज़ाम आ गया है, मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। और फिलहाल एग्ज़ाम का डेट 17 तारीख को है, 17 तारीख एग्ज़ाम का डेट आया है किसी का, आप लोग पता कर लीजिएगा अगर आप लोगों में से होगा किसी का तो। वैसे मैं बड़े वाला 1660 मीटर का है उसको मैं एक ही राउंड मारूंगा, देखता हूँ मार पाता हूँ कितने मीटर का फील्ड है। वो लोग कहते हैं कि 430 मीटर का है, और जो बड़ा वाला है वो 1660 का है, तो बड़ा वाले को मारते हैं, और काफ़ी देर हो गया यार, मारते हैं कहीं से। सो गाइस फाइनली एक राउंड बड़ा वाला 1660 वाला, और हाफ राउंड ग्राउंड का तो 215 इसको मार कर ख़त्म कर दिया है, और बाकी वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ दिख रहा होगा आप लोग को। और अगर आप लोग का ब्लॉग आज का अच्छा लगा हुआ प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं कल, काफ़ी बढ़िया से बनाएंगे ब्लॉग, फिलहाल दौड़ने पे कंसंट्रेट करें, और दौड़ लेंगे उसके बाद से जब प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। एज अ मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर मोटिवेट हो सकते हैं मेरे वीडियो से तो प्लीज़ मोटिवेट हो जाइएगा, और दौड़िए, सेहत को मस्त बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए। और मैं अप्रोक्स 4 महीने से दौड़ा नहीं था, तो काफ़ी मतलब वेट भी हो गया है और फैट जो है काफ़ी बढ़ चुका है। पहले जब मैं पुशअप मारता था या पुलअप करता था तो पुलअप 10-12 कर देता था, पुशअप कम से कम 30 मारता था वो एक टाइम में, अब वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।